इधर भारत ने चीन के विस्तार पर लगाम लगाने का कदम बढ़ा दिया है, तो उधर रोमानिया की सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। रोमानिया में हालांकि सिर्फ रूस के ड्रोन का मलबा ही गिरा, लेकिन नाटो ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। रूस को चेतावनी देने के बाद अब रूस के बेहद करीब युद्धाभ्यास की तैयारी कर ली गई है। युद्धाभ्यास के दौरान नाटो और रूस की नेवी कभी भी आमने सामने आ सकती। पोलैंड नहीं, रोमानिया का बॉर्डर एक बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। पिछले चार दिनों से रोमानिया का नाम बार बार खबरों में है और अब नेटो देशों के नए ऐलान ने फिर दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। क्योंकि फिर तैयार हैं युद्धपोत, फिर रूस की घेराबंदी के लिए चक्रव्यूह तैयार होने लगा है। रोमानिया के करीब धमाकों की आग से ऐसी चिंगारी भड़की है कि विश्व युद्ध का माहौल तैयार होने लगा है। ब्रिटेन की वायुसेना ब्लैक सी के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत ब्लैक सी की तरफ रवाना हो चुके हैं। बस चंद दिनों में नेटो युद्धाभ्यास के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर देगा। इस दौरान नेटो की एक भी गलती या उकसाने वाला एक भी कदम पुतिन के सब्र को खत्म कर सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। रोमानिया ने रूस से खतरा महसूस होते ही तैयारी शुरू कर दी। रोमानिया में बॉर्डर के इलाकों में शेल्टर बनाए जा रहे, डेन्यूब नदी के किनारे सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए, आपात हालात से निपटने की तैयारियां की जा रही। रोमानिया में रूस के ड्रोन के मलबे गिरने के बाद अमेरिका भी एक्शन में है। बाइडेन हिंदुस्तान में G20 समिट में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेंटागन में उनके जनरल नई रणनीति बना रहे हैं। रूस को चेतावनी देने के लिए अमेरिका ने युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की नेवी युद्धाभ्यास के लिए ब्लैक सी पहुंच रही है और रोमानिया की नेवी के साथ साझा युद्धाभ्यास किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास भी उसी इलाके में किया जाएगा जहां रूस ने ड्रोन से कई धमाके किए हैं। रोमानिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास में कई और देश शामिल होंगे। 11 सितंबर से युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी और 15 सितंबर तक चलेगी। यूक्रेन की नेवी को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया जा रहा है। ब्लैक सी से दूर लेकिन रूस की बेचैनी बढ़ाने वाले एक और स्पॉट पर युद्धाभ्यास की तैयारी कर ली गई है। ये बाल्टिक सागर का इलाका है। बाल्टिक से ही रूस के बॉम्बर यूक्रेन पर मिसाइल प्रहार कर रहे हैं और रूस की नेवी की बड़ी तैनाती है। यहां नेटो भी युद्धाभ्यास के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। युद्धाभ्यास के नाम पर नेटो के 30 युद्धपोत बाल्टिक में आएंगे। 3,000 नेटो सैनिकों को भी बाल्टिक में बुलाया गया है। युद्धाभ्यास में रूस के हमले का जवाब देने की प्रैक्टिस होगी। नेटो की नौसेना के अलावा अब ब्रिटेन के फाइटर जेट्स भी ब्लैक सी में गश्त लगाएंगे। ब्रिटेन ने ऐसा अनाज ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए किया है।
पुतिन को शक है कि पुतिन की नौसेना अनाज ले जाने वाले कार्गो शिप पर हमला कर सकती है। इस बीच रोमानिया ने अपनी सीमा से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। अब इस पूरे टेंशन की वजह आपको बताते हैं। 5 सितंबर की रात रूस ने ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। हमले में यूक्रेन की पोर्ट सिटी इस्माइल में भारी नुकसान हुआ। हमले के दौरान कुछ रूसी ड्रोन का मलबा ब्लैक सी से सटे रोमानिया में भी जाकर गिरा। यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट डेन्यूब रिवर के पास मौजूद है और उसी नदी के दूसरी तरफ रोमानिया का बॉर्डर लगता है, लिहाजा रूस के ड्रोन्स का मलबा रोमानिया की डुल्सिया काउंटी के पूर्वी इलाके में जाकर गिरा। रोमानिया नेटो सदस्य है, लिहाजा अब नेटो हरकत में आ चुका है और रूस चेतावनी देने के साथ ही युद्धाभ्यास का भी ऐलान कर दिया गया है। ब्लैक सी और बाल्टिक ये दोनों रूस के बेहद करीब हैं। यहाँ नेटो सेना की मौजूदगी रूस और नेटो के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगी। दोनों ओर से उकसावे का एक भी एक्शन एक भयंकर युद्ध का परिणाम बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।